वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक बर्थडे कार्ड डिज़ाइन। बर्थडे कार्ड डिज़ाइन का मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और ये कुछ डिज़ाइन है जो मैंने डाउनलोड किया है नेट से। इसको चाहें तो आप डिज़ाइन कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैंने इसको नेट से डाउनलोड कर लिया है। और जिसका कार्ड डिज़ाइन होना है ये उसी का फ़ोटो है। तो इन सभी को मिलाकर हम एक कार्ड डिज़ाइन करेंगे। कार्ड की जो साइज़ रहेगी वो 7x5 रहेगा। तो मैं पहले इसको पेज से बाहर कर लेता हूँ और टूल बार में जाएंगे, रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं। इसकी साइज प्रॉपर्टी बार से यहाँ से मैं सेट कर दे रहा हूँ 7x5। अब इसमें हम इन सभी डिज़ाइन को पहले सेट करते हैं, उसके बाद हम मैटर सेट करेंगे। इसकी साइज हम कर लेना छोटी। और पहले इस बैलून को मैं दोनों साइड में लगा देता हूँ, लेफ्ट और राइट साइड में। यहाँ से आप मिरर कर सकते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो लेफ्ट से अलाइनमेंट हो जाता है। साइज थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार से इसको मैं राइट साइड से भी लगा देता हूँ। यहाँ से मिरर करेंगे, राइट से लगा दिया। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसको मैं ऊपर साइड से सेट कर देता हूँ। यहाँ पर साइज इसकी और हम बढ़ा लेते हैं, बढ़ा नहीं बल्कि छोटी कर लेते हैं। फ्री हैंड टूल से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। सेव टूल से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाकर यहाँ से मैं कर देता हूँ कन्वर्ट लाइन टू कर्व। अब यहाँ पर बिल्कुल हम मैच करा लेते हैं। लाइन की विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो 0.5 कर दे रहे हैं, और कलर जो इसका है वो कर दे रहे हैं ग्रे कलर। इसी का हम एक डुप्लीकेट करेंगे। साइज चाहें तो इसका थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे और लेफ्ट साइड में भी लगा देते हैं। उसके बाद इसी को हम और बड़ा करते हैं, इसको पूरे में लगा देते हैं बैकग्राउंड के तौर पर। कलर जो है इसका हम कर देते हैं लाइट कटो। उसके लिए आप टूल बार में जाएं, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टूल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, नन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें कर देता हूँ यूनिफॉर्म। यहाँ मैं 50 रख रहा हूँ। और जो ये केक है, केक को मैं यहाँ पर सेट कर ले रहा हूँ, और इस बैलून को भी मैं कर देता हूँ बाहर। इतना डिज़ाइन सेट करने के बाद यहाँ पर हम एक फ़ोटो फ्रेम लगा लेते हैं। तो उसके लिए टूल बार में जाएं, एलिप्स टूल से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। दोबारा से टूल बार में जाएंगे और यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट से मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा और कुछ इस तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे, या फिर इसमें आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं और कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा और एडजस्ट में कर रहा हूं। तो मैंने कुछ इस तरीके से फ्रेम सेट कर ले रहा हूं। इसको नीचे के साइड में कर रहा हूँ, यहाँ से मिरर करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने फ्रेम बना लिया है। इसी का मैं एक डुप्लीकेट करता हूं और इसमें कलर फिल कर देते हैं। इस वाले रेक्टेंगल को सेट करेंगे, इसका जो आउटलाइन है वो मैं कर देता हूं 4 पॉइंट, कलर सेम, और इसका जो आउटलाइन है वो मैं कर देता हूं नन। इसको मैं शिफ्ट के साथ पेज अप कर लेता हूं। अब इसमें हम फोटो सेट करेंगे। तो इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर प्लेस इनसाइड, इसमें मैं फ़ोटो प्लेस कर दे रहा हूँ। कंट्रोल की प्रेस करेंगे, इस फोटो पर क्लिक करेंगे और फिर इसको सेट कर लेता हूँ। कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इसको हम बाहर क्लिक करेंगे तो फिनिश हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके भी फिनिश कर सकते हैं। फोटो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, साइज चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने इसमें फ़ोटो सेट कर लिया है और इस बैलून को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ
शिफ्ट के साथ पेजअप करता हूँ इसको, और ये जो केक है इसको भी हम शिफ्ट के साथ पेजअप कर लेते हैं। इसके जो इसमें तीन तल्ले का केक है इसको मैं एक यहाँ से हटा देता हूँ, सेव टूल से सेट करेंगे और इसको मैं इतना पार्ट हटा देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। और बैलून में डोरी नहीं दिख रहा है, इसका डोरी जो है वो सफ़ेद है और बैकग्राउंड भी सफ़ेद है इसलिए डोरी नहीं दिख रहा है। तो इसमें चाहे तो डोरी लगा सकते हैं, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इन सभी मैटर को बाहर से ड्रैग करके सेलेक्ट कर रहे हैं और साइज थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहा हूँ, पहले मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ, साइज और छोटा कर लेंगे। इसको हम कर देते हैं इटैलिक और इसमें कुछ ऑप्शन हम कर देते हैं बोल्ड, जैसे कि बर्थडे यहाँ पर हो गया बोल्ड। इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ ग्रे कलर। जी प्रेस करेंगे और इसमें हम 725% मिक्स कर देता हूँ। बर्थडे का फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं, आपके कंप्यूटर में जो भी स्टाइलिश फॉन्ट हो उसका यूज़ करें। इसकी साइज़ हम और बढ़ा देते हैं। कलर जो है इसका मैं कर देता हूँ पर्पल कलर। और इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पर, नेम यहाँ पर सेट कर देते हैं और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू कलर और बोल्ड ब्लू नहीं बल्कि इसको हम सियान कलर कर दे रहा हूँ। इसका कलर कर देता हूँ केसरिया और डेट का भी कलर केसरिया। डेट को मैं कर देता हूँ बोल्ड। फ्री हैंड टूल से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको हम सेट करते हैं। इसकी विड्थ 1.5 कर दे रहा हूँ, 1.5 नहीं बल्कि 10.5 कर दे रहा हूँ। इसी का डुप्लीकेट यहाँ पर एक कर रहे हैं। कलर जो इसका है वो मैं कर देता हूँ डार्क येलो कलर। बाल से इन ड्रैग करके इन दोनों को सेट करेंगे, सी प्रेस करेंगे सेंटर हो जाएगा। इस डिज़ाइन को थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड में रख ले रहे हैं और जस्ट इसी का एक डुप्लीकेट हम कर देता हूँ, बल्कि ये छोड़ देते हैं कुछ नहीं, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको हम मिरर कर दे रहे हैं यहाँ से। उसके बाद बर्थडे का साइज थोड़ा सा हम और चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसका कलर भी केसरिया कर दे रहा हूँ। इस डिज़ाइन का हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको मिरर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ इसको मैं पेज डाउन कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर ले हैं, इसको हम फ्रेम के अंदर कर लेते हैं सभी मैटर को। इसमें चाहे तो आप कलर भी फिल कर सकते हैं, तो कोई लाइट कलर हम इसमें फिल कर दे रहे हैं, लाइट येलो कलर फिल करके हम देखते हैं। तो लाइट येलो कलर कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको आप चाहें तो ग्रेडियंट बना लें, जी प्रेस करेंगे और इसको ग्रेडियंट इस तरीके से बनाते हैं। इसको हम थोड़ा सा और करते हैं डार्क कलर। नीचे के साइड से मैं सैंड लाइट सैंड कलर फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 30 सैंड कर रहा हूँ। एक क्लिक यहाँ पर करेंगे, इसमें मैं फिल कर देता हूँ वाइट कलर। तो इस तरीके से आप कलर में भी इसको सेट कर सकते हैं। ये मैंने फ्लैश कटिंग डिज़ाइन किया हूँ, इसका आउटलाइन हम कर देते हैं नन और रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेता हूँ। इसमें हम फिल करेंगे ग्रे कलर
जी प्रेस करेंगे, इसको हम बना लेते हैं ग्रेडियंट। ओके, अब हम इसमें इसको सेट करते हैं। इसमें हम ड्रॉप शैडो यूज कर लेते हैं नीचे के साइड से। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यह बर्थडे का डिज़ाइन कर लिया है। आप प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, लाइक करें।